प्रिय दोस्तों, आपको मैं मानसरोवर आर्ट की कहानी विमाता सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। दोस्तों, यदि आप प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वे मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो लीजिए सुनते हैं मेरी यानी निधि की आवाज़ में कहानी विमाता। स्त्री की मृत्यु के 3 ही मास बाद पुनर्विवाह करना मृतात्मा के साथ ऐसा अन्याय और उसकी आत्मा पर ऐसा आघात है जो कदापि क्षम्य नहीं हो सकता। मैं यह कहूँगा कि उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी, और न मेरा शायद यह कथन ही मान्य समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए माँ की उपस्थिति परम आवश्यक थी। परंतु इस विषय में मेरी आत्मा निर्मल है, और मैं आशा करता हूँ कि स्वर्गलोक में मेरे इस कार्य की निर्दय आलोचना न की जाएगी। सारांश यह कि मैंने विवाह किया, और यद्यपि एक नवविवाहिता वधु को मातृत्व उपदेश बेसुरा राग था, पर मैंने पहले ही दिन अम्बा से कह दिया कि मैंने तुमसे केवल इस अभिप्राय से विवाह किया है कि तुम मेरे भोले बालक की माँ बनो और उसके हृदय से उसकी माँ की मृत्यु का शोक भुला दो। 2 मास व्यतीत हो गए। मैं संध्या समय मुन्नू को साथ लेकर वायु सेवन को जाया करता था। लौटते समय कतिपय मित्रों से भेंट भी कर लिया करता था। उन संगतों में मुन्नू श्यामा की भांति चहकता। वास्तव में इन संगतों से मेरा अभिप्राय मनोविनोद नहीं, केवल मुन्नू के असाधारण बुद्धि चमत्कार को प्रदर्शित करना था। मेरे मित्रगण जब मुन्नू को प्यार करते और उसकी विलक्षण बुद्धि की सराहना करते तो मेरा हृदय पांसों उछलने लगता। एक दिन मैं मुन्नू के साथ बाबू ज्वाला सिंह के घर बैठा हुआ था। ये मेरे परम मित्र थे। मुझ पे और उनमें कुछ भेदभाव न था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी क्षुद्रताएं, अपने पारिवारिक कलह आदि और अपनी आर्थिक कठिनाइयों बयान किया करते थे। नहीं, हम इन मुलाकातों में भी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते थे, और अपनी दुरावस्था का जिक्र कभी हमारी जबान पर भी न आता था। अपनी कालिमाओं को सदैव छिपाते थे। एकता में भी भेद था और घनिष्ठता में भी अंतर। अचानक बाबू ज्वाला सिंह ने मुन्नू से पूछा, क्यों, तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना? मैंने मुस्कुराकर मुन्नू की ओर देखा। उसके उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह न था। मैं भली भांति जानता था कि अम्मा उसे बहुत प्यार करती है, परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब मुन्नू ने इस प्रश्न का उत्तर मुख से न देकर नेत्रों से दिया, उसके नेत्रों से आंसू की बूंदे टपकने लगी। मैं लज्जा से गड़ गया। इस अश्रुजल ने अम्बा के उस सुंदर चित्र को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो गत 2 मास से मैंने हृदय में अंकित कर रखा था। ज्वाला सिंह ने कुछ संशय की दृष्टि से देखा और पुनः मुन्नू से पूछा, क्यों रोते हो बेटा? मुन्नू बोला, रोता नहीं हूं, आंखों में धुआं लग गया था। ज्वाला सिंह का विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी, परंतु वास्तव में मुझे भी संदेह हो गया। अम्बा सहृदयता और स्नेह की वह देवी नहीं है जिसकी सराहना करते मेरी जिह्वा न थकती थी। वहां से उठा तो मेरा हृदय भरा हुआ था और लज्जा से माथा न उठता था। मैं घर की ओर चला तो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार अपने क्रोध को प्रकट करूं, क्यों न मुंह ढाक कर सो रहूं। अम्बा जब पूछे तो कठोरता से कह दूं कि सिर में पीड़ा है, मुझे तंग मत करो। भोजन के लिए उठाए तो झिड़क कर उत्तर दूं। अम्बा अवश्य समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है। मेरे पांव पकड़ने लगेगी, उस समय अपनी व्यंग पूर्ण बातों से उसका हृदय भेद डालूंगा,
ऐसा रुलाऊंगा कि वह भी याद करे। पुनः विचार आया कि उसका हंसमुख चेहरा देखकर मैं अपने हृदय को वश में रख सकूंगा या नहीं। उसकी एक प्रेमपूर्ण दृष्टि, एक मीठी बात, एक रसीली चुटकी से मेरी शिलातुल्य रुष्टता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। परंतु हृदय की इस निर्बलता पर मेरा मन झुंझला उठा। यह मेरी क्या दशा है? क्यों इतनी जल्दी मेरे चित्त की काया पलट गई? मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं इन मृदुल वाक्यों की आंधी और ललित कटाक्षों के बहाव में भी अचल रह सकता हूँ। और कहाँ अब यह दशा हो गई कि मुझ में साधारण झोंके को भी सहन करने की सामर्थ्य नहीं? इन विचारों से हृदय में कुछ दृढ़ता आई, जिस पर भी क्रोध की लगाम पग पग पर ढीली होती जाती थी। अंत में मैंने हृदय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया। ठान लिया कि चलते ही चलते एकदम से परस पड़ूंगा। ऐसा न हो कि विलंब रूपी वायु इस क्रोध रूपी मेघ को उड़ा ले जाए। परंतु ज्यों ही घर पहुंचा, अम्बा ने दौड़कर मुन्नू को गोदी में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर से बोली, आज तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते रहे? चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलौड़ियां बनाई हैं। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया। मैंने विचार किया, इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है। मुन्नू अबोध बालक है, संभव है कि वह अपनी माँ का स्मरण कर रो पड़ा हो। अम्बा इसके लिए दोषी नहीं ठहराई जा सकती। हमारे मनोभाव पूर्व विचारों के अधीन नहीं होते। हम उनको प्रकट करने के निमित्त कैसे कैसे शब्द गढ़ते हैं, परंतु समय पर शब्द हमें धोखा दे जाते हैं और वे ही भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। मैंने अम्बा को न तो कोई व्यंगपूर्ण बातें ही कही और न क्रोधित हो मुख ढांक कर सोया ही, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर में बोला, मुन्नू ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया। खजांची साहब ने पूछा, तुम्हारी नई अम्मा तुम्हें प्यार करती है या नहीं? तो ये रोने लगा। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो स्वप्न में भी यह विचार नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा। परंतु अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो। पवन का साधारण झोंका भी उसे हटा देता है। ये बातें कितनी कोमल थी। तिस पर भी अम्बा का विकसित मुखमंडल कुछ मुरझा गया। वह सजल नेत्र होकर बोली, इस बात का विचार तो मैंने यथासाध्य पहले ही दिन से रखा है, परंतु यह असंभव है कि मैं मुन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा दूं। मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालीमा लगी हुई है वह मिट नहीं सकती। मुझे भय था कि इस वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत न हो। परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्बा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैं उसे प्रातः सायंकाल पर्यंत मुन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता, यहाँ तक कि उस धुन में उसे मेरी भी चिंता न रहती थी। परंतु मैं ऐसा त्यागी न था कि अपने आराम को मुन्नू पर अर्पण कर देता। कभी कभी मुझे अम्बा की यह अश्रद्धा न भाती, परंतु मैं कभी भूल कर भी इसकी चर्चा न करता। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया। क्या देखता हूँ कि मुन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख किए खड़ा है। मुझे इस समय आंख मिचौली खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र मूंद लिए, पर शोक उसके दोनों गाल अश्रु पूरित थे। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया हो। हृदय पर एक चोट लगी। मुन्नू को गोद में लेकर बोला, मुन्नू क्यों रोते हो? यह कहते कहते मेरे नेत्र भी सजल हो आए। मुन्नू आंसू पीकर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूं। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं?
मुन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, मुझसे वह बहुत प्यार करती हैं। मुझे विश्वास न हुआ, पूछा, वह प्यार करती है तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन खजांची के घर भी तुम रोए थे। तुम मुझसे क्या बात छिपाते हो? कदाचित तुम्हारी अम्मा अवश्य तुमसे कुछ क्रुद्ध हुई हैं। मुन्नू ने मेरी ओर कातर दृष्टि से देखकर कहा, जी नहीं, वह मुझे प्यार करती हैं। इसी कारण मुझे बारंबार रोना आ जाता है। मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती हैं, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़कर न चली जाए। यह कहकर मुन्नू पुनः फूट फूट कर रोने लगा। मैं भी रो पड़ा। अम्बा के इस स्नेहमय व्यवहार ने मुन्नू के एक सुकोमल हृदय पर कैसा आघात किया था। थोड़ी देर तक मैं स्तंभित रह गया। किसी कवि की यह वाणी स्मरण आई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। कहीं भावी ही इस बालक की जिह्वा से तो यह शब्द नहीं कहला रही है। ईश्वर न करे कि वह अशुभ दिन देखना पड़े। परंतु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया। समझा कि माता की मृत्यु ने प्रेम और वियोग में एक मानसिक संबंध उत्पन्न कर दिया है और कोई बात नहीं है। मुन्नू को गोद में लिए हुए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं। अम्बा चौंक पड़ी, उसके मुख की कांति मलिन हो गई। बोली, तुम ही पूछो। मैंने कहा, यह इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम भी इनकी माता की भांति इन्हें छोड़ कर न चली जाओ। जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दर्पण चमक उठता है, उसी भांति अम्बा का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। उसने मुन्नू को मेरी गोदी से छीन लिया और कदाचित यह प्रथम अवसर था कि उसने ममतापूर्ण स्नेह से मुन्नू के पांव का चुंबन किया। शोक महाशोक, मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कदाचित उसकी पाल दृष्टि ने होनहार को देख लिया था। कदाचित उसके पाल श्रवण मृत्यु दूतों के विकराल शब्दों से परिचित थे। 6 मास भी व्यतीत न होने पाए थे कि अम्बा बीमार पड़ी और इन्फ्लुएंजा ने देखते देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया। पुनः वह उपवन मरुतुल्य हो गया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। हाँ, उसने पुत्र स्नेह का आदर्श रूप दिखा दिया। शीतकाल था और वह खड़ी रात्रि शेष रहते ही मुन्नू के लिए प्रातःकाल का भोजन बनाने उठती थी। उसके इस स्नेह बाहुल्य ने मुन्नू पर स्वाभाविक प्रभाव डाल दिया था। वह हठीला और नटखट हो गया था। जब तक अम्बा भोजन कराने न बैठे, मुंह में कौर न डालता, जब तक अम्बा पंखा न चले, वह चारपाई पर पाँव न रखता, उसे छेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता। परंतु अम्बा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। इन्फ्लुएंजा से कराह रही थी, करवट लेने की शक्ति तक न थी, शरीर तवा हो रहा था। परंतु मुन्नू के प्रातःकाल के भोजन की चिंता लगी रहती थी। हाय, वह निस्वार्थ मात्र स्नेह अब स्वप्न हो गया। उस स्वप्न के स्मरण से अब भी हृदय गदगद हो जाता है। अम्बा के साथ मुन्नू का चुलबुलापन तथा बाल क्रीड़ा विदा हो गई। अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। वह अब भी नहीं रोता। ऐसा पदार्थ खोकर अब उसे कोई खटका, कोई भय नहीं रह गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी की कहानी विमाता।